आज हम बात करने वाले हैं लोन प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज बोलिए, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और क्या क्या चार्जेस लगता है जो कि हिडन आपको बताया नहीं जाता, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको कौन कौन से बात का जो है ध्यान रखना है अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे फिर होम लोन हो, अगर आप प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज करा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। सो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो साथ ही साथ बोनस से भी बताएंगे जो आपको क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें आपको क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रही हूं नीड टू नो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट सेट करते हैं 500 प्लस, जो कि मुझे लगता है आप लोग जरूर कर दोगे। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो रेगुलरली मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अगर हम कोई भी लोन लेते हैं, अगर उस लोन का टर्म्स जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी टर्म्स है, उससे पहले अगर हम लोन को क्लोज कराते हैं तो उसको प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज बोला जाता है। अब ये जो है आपका कोई भी लोन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, या फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसको भी जो है आप क्लोज करा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। देखिए, प्रोसेस अगर मैं बात करूँ, अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है या फिर होम लोन लिया है, तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन से लोन लिया है तो बेसिकली वहाँ पर आपको एप्लीकेशन पे जो है आपको ऑप्शन दिख जाता है कि यहाँ से आप फोरक्लोज कर सकते हो, मतलब जो अमाउंट होता है फोरक्लोजर का वो आपको दिख जाता है, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन से पेमेंट कर देते हो तो आपका लोन जो है फोरक्लोज हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप फोरक्लोज कराते हो तो वहाँ पर एक जो फिक्स टाइम रहता है, मतलब जो क्रेडिट कंपनी है या फिर बैंक है उसका एक फिक्स टाइम है कि भाई आप जो है मिनिमम 2 पेमेंट के बाद ही करा सकते हो, या फिर 6 पेमेंट के बाद ही करा सकते हो, या फिर 8 पेमेंट के बाद ही लोन प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज करा सकते हो। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। उसके बाद जो है आप डायरेक्टली जो है पे कर सकते हो अगर आपने ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन से लिए हो तो। अगर आपने कोई बैंक से लिया है तो उनका जो नेट बैंकिंग साइट है वहाँ से भी करा सकते हो। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप जो है डायरेक्टली कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल लिख सकते हो, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा डेट को करना चाहते हो, तो उस डेट के हिसाब से आपको एक अमाउंट बताया जाएगा, जो अमाउंट को आपको पे करना है उस जो पर्टिकुलर डेट बोला गया है उस डेट के अंदर, तो ही जाके आपका लोन जो है फोरक्लोज हो जाता है। सो दोस्तों, ये तो क्या प्रोसेस जो कि आपको लोन फोरक्लोजर में फॉलो करना है। अब बात कर लें दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है दोस्तों चार्जेस। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो लोन कंपनी है वो आपको जो है चार्जेस करता है, मिनिमम 2 से लेके जो है 5% तक आपको चार्ज करता है। मतलब मान के चलिए, अगर आपका लोन जो है 1 लाख का लोन है, उसमें 40,000 का आउटस्टैंडिंग है, और उस समय आप अगर उसको फोरक्लोज करने जाते हो तो हो सकता है आपको 800 से 1000 रुपए का जो है प्री क्लोज चार्जिंग लेस है। लेकिन ये जो टू बैंक लोन कंपनी, मिला लीजिए अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड को अगर प्री क्लोज करना है तो भी जाके आपको ऐसे ही चार्जेस देना पड़ता है। सो गाइस, बेसिकली ये जो चार्जेस डिपेंड करता है, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन कुछ कुछ सिनारियों में देखा भी ये भी देखा गया है अपार्ट फ्रॉम दिस चार्जेस और भी एक चार्जेस लिया जाता है, जो कि बोला जाता है प्रोसेसिंग चार्ज या फिर वन टाइम प्रोसेसिंग चार्ज बोल के और ऐड कर देते हैं ये लोन कंपनी या फिर जो है NBFC कंपनी। सो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप लोन प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज करते हो, आप इस बात का जरूर पूछ लीजिएगा कि कितना मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा फोर क्लोजर और प्री क्लोजर चार्जेस का। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है फायदा और नुकसान क्या क्या। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, नुकसान क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, नुकसान की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नुकसान तो यही होता है कि आपको जो है अलग से चार्जेस पे करना होता है अगर आप प्री क्लोज कराते हो। कुछ कुछ सिनारियों में चार्जेस नहीं लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम सिनारियों में मैक्सिमम बैंक या फिर NBFC आपको चार्जेस ले लेता है। वो आपको बाय डिफॉल्ट एक अमाउंट दिखा देता है, उस अमाउंट के अंदर चार्जेस एडेड होता है तो आपको नहीं दिखता अलग से, लेकिन मैक्सिमम सिनारियों में चार्जेस लिया जाता ही है। सो ये आपको एक्स्ट्रा तो चार्जेस देना पड़ेगा। दूसरी बात है आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट में है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्रेडिट रिपोर्ट में इसका कोई मेजर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आप प्री क्लोज कराते हो। हाँ, इसमें इम्पैक्ट ये होता है कि आपका जो टेन्योरिटी होता है, जैसे मान के चलिए आपने 2 साल के लिए कोई लोन लिया था और आपने 6 मंथ बाद ही जो है उस लोन को क्लोज करा रहे हो, तो उसमें होता क्या है, सबसे जो क्रेडिट रिपोर्ट में सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो होता है आपका पेमेंट हिस्ट्री, मतलब कितने बार आपने टाइम पे पेमेंट किया है। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने 2 साल के लिए लोन लिया था तो 24 मंथ का आपका हिस्ट्री पे वो ऐड होता, उस जगह पे आपने खाली 6 मंथ पेमेंट करके लोन क्लोज करा रहे हो, सिर्फ 6 मंथ का ही पेमेंट दिखाएगा, ना कि 2 साल का।
तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रांग मंथ का क्रेडिट रिपोर्ट उसके जगह थोड़ा सा जो है कम स्ट्रांग बनेगा, लेकिन मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं है इसमें, सो बड़े कोई नुकसान की बात नहीं है। आप बात करते हैं दोस्तों सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वो है फ़ायदा क्या क्या है। देखिए फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट काफ़ी जो हद तक आपका बच जाता है। अब कैसे बच जाता है, मान के चलिए आपका 2 साल का लोन है, आपने 6 महीने चलाया और 18 महीना आपका पेमेंट देना है, तो आप मान के चलिए कि आपने हिसाब लगाया कि भाई मेरा 4,000 का EMI है, तो 18 मंथ में आपका हो जा रहा है 72,000। सो अगर आप फोर क्लोज कराने जाते हो तो आपको 10 से 12,000 का जो है फ़ायदा हो जाता है, डिपेंड अपॉन कि आपने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन को आपने फाइनेंस किया है। लेकिन आपको मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा अगर आप फोर क्लोज कराते तो इसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा, एज पर इंटरेस्ट रेट आपको जो है कम लगेगा या फिर इंटरेस्ट रेट आपको बच जाएगा। सो ये तो गया पहला फ़ायदा। दूसरा फायदा ये है कि आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है, क्रेडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन रहता है कि आपने आपका जो ऑनगोइंग कितना लोन है, मतलब जो आपका ऑब्लिगेशन जो है कितना है, वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब भी आप कहीं लोन अप्लाई करते हो तो सबसे पहले जो फाइनेंस या बैंक जो है आपका चेक करते हैं कि कितना आपका पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या अगर होम लोन चल रहा है, और आपका कितना मंथली करेंट मंथली EMI जो है चल रहा है। सो अगर आप लोन फोर क्लोज करा देते हो तो डेफिनेटली वो लोन का जो ऑब्लिगेशन है जीरो हो जाएगा, मतलब आपने 1.5 लाख के ऊपर मान के चलो आपका लोन का बाकी था तो वो जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो करेंट EMI चल रहा है वो भी आपका जीरो हो जाएगा उस लोन का। सो इस तरीके से आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें काफ़ी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है, और साथ ही साथ आपका जो लोन अप्रूवल होने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जो कि अगर आप लोन प्री क्लोज या फिर लोन फोर क्लोज कराते हो। सो दोस्तों मेजरली ये 2 ही फायदा है। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप फोर क्लोज या फिर लोन प्री क्लोज करा रहे हो। सबसे पहले जब भी आप लोन प्री क्लोज कराते हो तो आप कोशिश करिए जो अमाउंट आपको बोला जा रहा है वो आप रिटर्न में ले लीजिए, नहीं तो आप हो सके जो है आप एप्लीकेशन के थ्रू या फिर ऑनलाइन कराइए, जहाँ पे आपको दिखता है एग्जैक्टली कितना अमाउंट वो आप पे करिए। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार देखा गया है आपको जो है कुछ अमाउंट बोला जाता है, आप पेमेंट करते हो लेकिन सिस्टम से कुछ एरर होने के कारण अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपका पेमेंट जो है चला जाता है, लेकिन आपको लोन फोरक्लोज नहीं होता। दूसरी बात है जब भी आप लोन फोरक्लोज कराते हो आपको जो समय सीमा के अंदर बोला गया है पेमेंट करने के लिए उसी के अंदर कराइए, क्योंकि उसके बाद अगर करेंगे तो वो अमाउंट जो है चेंज हो जाएगा, फिर आपका लोन प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डेट पे आपको बोला जाएगा उसी डेट से पहले आपको पेमेंट करना है, उसके बाद करेंगे तो लोन फोर क्लोज नहीं होता है। तीसरा नंबर चीज़ है कि जब भी आप लोन फोर क्लोज या फिर प्री क्लोज कर रहे हो तो आप जो है उसका कन्फर्मेशन जो है ज़रूर लीजिएगा, हो सके आप कॉल करके, हो सके आप ईमेल करके कि हाँ मैंने ये पेमेंट किया था उसका, देखिए आपका क्या स्टेटस दिख रहा है, क्या ये मेरा लोन प्री क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। पेमेंट करने के 3 से 4 दिन के बाद अगर आप ईमेल करते हो या फिर कॉल करते हो कस्टमर केयर में तो आपको स्टेटस जो है बता दिया जाता है। सो इस बात का जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने के बाद जरूर जो है कंफर्मेशन ले लीजिएगा। जो पॉइंट है वो है दोस्तों जब भी आप प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज कराते हो तो उसका NOC लेना मत भूलना। NOC बेसिकली 15 वर्किंग डेज बाद मिलता है, जब भी आपका लोन क्लोज होता है उसका 15 वर्किंग डेज बाद मिलता है। सो 15 वर्किंग डेज के बाद जो है आप एक बार चेक करिए, अगर आपके पास आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो कस्टमर केयर से बात करके आपका जो है NOC ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में कुछ इशू होगा तो आपके पास NOC लिखा रहेगा। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि सिविल रिपोर्ट में रॉन्ग पोस्टेड होता है या फिर कभी कभार देखा गया आपका लोन एक्टिव ही दिखा रहा है, क्लोज दिखाई नहीं रहा है, तो इस सिनेरियो में आपको NOC बहुत जो है काम में आएगा। आई होप दोस्तों आपको लोन प्री क्लोज या फिर फोर क्लोज के बारे में काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि यह किस तरीके से काम करता है, चार्जेस कितना लगता है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चन या डाउट है तो मुझे जरूर पूछ सकते हैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में। और अगेन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।